हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम इंजेक्शन पर। दोस्तों, आज हम सभी मानव विकास सूचकांक 2022 के विषय में पढ़ेंगे, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मानव विकास सूचकांक 2022 हाल ही में जारी कर दिया गया है। दोस्तों, यह मानव विकास सूचकांक 2022 यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत, यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के तहत हाल ही में जारी कर दिया गया है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार, दोस्तों भारत का 2022 में 132वां स्थान है। भारत का 132वां स्थान है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने हाल ही में इसकी सूची 191 देशों की जारी की है। पूरी दुनिया भर में दोस्तों इसकी सूची 191 देशों की जारी की है। इन 191 देशों में से दोस्तों भारत का 132वां स्थान है। इसके पहले 2022 से पहले, यानी कि 2021 20 और 21 यह सूची जो जारी हुई है दोस्तों 2021 और 22 की, तो इससे पहले भारत का, यानी पिछले साल दोस्तों पिछले वर्ष भारत का 132वां के बजाय 131वां स्थान था। 131वां, यानी कि कहने का मतलब यह है कि इस बार, यानी कि 2022 में दोस्तों भारत एक स्थान के गिरावट पर पहुंच गया है, यानी कि एक स्थान भारत का मानव विकास सूचकांक नीचे गिर गया है। दोस्तों, मानव विकास सूचकांक, यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इस कार्यक्रम की स्थापना दोस्तों 1965 ईस्वी में हुई थी। मानव विकास सूचकांक कार्यक्रम की स्थापना दोस्तों 1965 में हुई थी, यानी कि UNDP, जिसे शॉर्ट में UNDP कहा जाता है। UNDP दोस्तों, इसकी स्थापना 1965 ईस्वी में हुई थी। UNDP का मुख्यालय दोस्तों, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में है, जो अमेरिका में है। न्यूयॉर्क शहर अमेरिका में स्थित है। दोस्तों, इसका मुख्य कार्य, यानी कि UNDP का मुख्य कार्य दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा वैश्विक स्तर पर, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा दोस्तों वैश्विक स्तर, यानी विश्व स्तर पर, वैश्विक स्तर पर जो विकास के कार्यक्रम चलाए जाते हैं, विकास कार्यक्रम चलाए जाते हैं, उन कार्यक्रमों को अच्छी तरह से निपटाना, उनकी देख रेख करना दोस्तों UNDP का कार्य होता है। UNDP जिसका मुख्यालय दोस्तों न्यूयॉर्क अमेरिका में है। दोस्तों, UNDP की स्थापना 1965 ईस्वी में हुई थी। याद रखना, सब प्रतियोगी परीक्षाएं जितनी भी हैं दोस्तों उनके लिए अति महत्वपूर्ण है। बार बार पूछा जाता है UNDP की स्थापना क्या है, कब हुई थी। दोस्तों, UNDP की स्थापना 1965 में हुई थी। UNDP का फुल फॉर्म दोस्तों यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है। दोस्तों, UNDP इस, यानी कि मानव विकास रिपोर्ट को HDR के माध्यम से जारी करता है। HDR का मतलब है दोस्तों ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार जारी करता है। दोस्तों, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों इस सूची को जारी करता है, मानव विकास इंडेक्स को, मानव विकास सूची को। दोस्तों, HDR यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की स्थापना इसकी दोस्तों 1990 ईस्वी में हुई थी। इसकी स्थापना, यानी इसकी शुरुआत दोस्तों 1990 ईस्वी में हुई थी, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का जनक दोस्तों, इसका जनक दोस्तों पाकिस्तान देश के प्रमुख या प्रसिद्ध अर्थशास्त्री दोस्तों, इसके प्रसिद्ध अर्थशास्त्री महबूब उल हक, इसके प्रमुख
दोस्तों महबूब उल हक प्रमुख अर्थशास्त्री महबूब हक और भारत के प्रमुख अर्थशास्त्री दोस्तों अमर्त सेन जो अमेरिकी नागरिक है, भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं दोस्तों अमर सेन और पाकिस्तान के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री महबूब उल हक की सहायता से दोस्तों पहली बार 1990 ईस्वी में दोस्तों पहली बार 1990 ईस्वी में मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट यानी इंडेक्स, मानव विकास इंडेक्स का दोस्तों पहली बार प्रकाशन किया गया था 1990 ईस्वी में। उसके बाद दोस्तों लगातार 1990 ईस्वी से लगातार मानव विकास सूचकांक जारी होता चला आ रहा है। दोस्तों मानव विकास सूचकांक किस आधार पर, कितने स्तर पर दोस्तों जारी किया जाता है? दोस्तों चार प्रमुख आधार पर मानव विकास रिपोर्ट जारी की जाती है दोस्तों, जिसमें सबसे पहला नंबर है जीवन की प्रत्याशा के अंतर्गत व्यक्ति के जन्म से पहले से लेकर के दोस्तों उसके जीवन में, उसके जीने की अवधि तक, जन्म से लेकर के व्यक्ति के जीने की अवधि तक, जीने की अवधि तक के बारे में, के विषय में पूरी जानकारी या जीने की प्रत्याशा व्यक्ति की कैसे जानकारी के आधार पर। और दूसरी बात दोस्तों शिक्षा, दूसरा आधार है मानव विकास रिपोर्ट जारी करने का, दूसरा आधार है दोस्तों शिक्षा, व्यक्ति की शिक्षा, कक्षा एक से लेकर के पाँच तक उसने किस प्रकार की शिक्षा ग्रहण की, कक्षा एक से लेकर के व्यक्ति ने कक्षा एक से लेकर पाँच तक, एक से लेकर पाँच तक किस प्रकार की शिक्षा ग्रहण की और किस प्रकार से उस शिक्षा के दौरान, किस प्रकार का समय, और उसके बाद इस कक्षा पाँच से ऊपर उच्च स्तर की शिक्षा व्यक्ति की किस प्रकार की रही, किस प्रकार से ग्रहण किया या कहां तक शिक्षा प्राप्त किया, उसके बाद व्यक्ति ने छोड़ दिया। दूसरा आधार ये है मानव विकास जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है दोस्तों, जो इंडेक्स है, रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट का जो चार आधार है, पहला आधार जीवन की प्रत्याशा, दूसरा आधार शिक्षा और तीसरा आधार, उसमें से शिक्षा और तीसरा आधार दोस्तों, तीसरा आधार है प्रति व्यक्ति आय, यानी कि देश में जिस देश का मानव विकास सूचकांक जारी किया जाएगा, जिसकी सूची तैयार की जाएगी जिस देश की, तो दोस्तों वहां पर प्रति व्यक्ति आय, परिवार के प्रत्येक सदस्य की आय कितनी है, किस प्रकार की आय, परिवार के प्रत्येक सदस्य की आय कितनी है, उसको देख करके प्रत्येक सदस्य, परिवार के प्रत्येक सदस्य की आय को देख करके, उसकी आय को देख करके दोस्तों तीसरी बात का आधार लिया गया है मानव विकास रिपोर्ट के लिए। चौथा आधार देश की सकल आय, यानी कि राष्ट्रीय आय क्या है, जिस देश का सूचकांक, मानव विकास सूचकांक जारी किया जाएगा दोस्तों, उस देश की कुल राष्ट्रीय आय, सकल आय क्या है, देश की राष्ट्रीय आय यानी कि सकल आय दोस्तों क्या है। अब जब पहले प्रति व्यक्ति आय निश्चित होगी दोस्तों, प्रति व्यक्ति आय कितनी है, प्रति परिवार की आय कितनी है, उसके बाद दोस्तों नंबर आता है राष्ट्रीय आय, देश की सकल आय। दोस्तों इन चार आधारों को लेकर के मानव विकास रिपोर्ट जारी की जाती है, जिसमें दोस्तों भारत का 132वां स्थान प्राप्त हुआ है, भारत को 132वां स्थान प्राप्त हुआ है सन 2022 में, इस वर्तमान समय में। दोस्तों मानव विकास रिपोर्ट में अभी हाल ही में जो जारी हुई है दोस्तों, इसमें प्रथम स्थान स्विट्जरलैंड देश का पहला स्थान है। दूसरा नंबर दोस्तों नॉर्वे का है, पहला स्थान स्विट्जरलैंड का है, दूसरा स्थान नॉर्वे का है, दोस्तों तीसरा स्थान आइसलैंड का है,
आइसलैंड देश का तीसरा स्थान है। उसके बाद दोस्तों चौथा स्थान हांगकांग का है, हांगकांग देश का दोस्तों चौथा स्थान है। उसके बाद पांचवें स्थान पर दोस्तों दुनिया में पांचवें स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया दोस्तों पांचवें स्थान पर स्थित है, जिसमें भारत का स्थान 132वां है।